दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। कर्फ्यू क्षेत्र में राशन वितरण की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जैसे जिन क्षेत्रों में कर्फ्यू है उन दुकानों को हमने चिन्हित किया है। उन पे जैसे कई क्षेत्रों में आटा चक्कियाँ भी बंद हैं तो उनके लिए हम आटा पिसा के उनको देंगे। आटा पिसवाने के लिए हमने अधिकृत भी कर दिया है, उसकी आटा पिसाई शुरू हो रही है। कल या परसों तक उसके आटा पीस के डीलर्स के यहाँ पहुँच जाएगा। उसमें इस बार हम आटा वितरित करेंगे कर्फ्यू क्षेत्र में ताकि लोगों को किसी तरह की कोई समस्या ना आए। किस समय में गाड़ियाँ जा रही हैं राशन की सामग्री वितरित करने के लिए, क्या समय निर्धारित किया गया है? राशन की गाड़ियाँ हमारी जो कर्फ्यू क्षेत्र में सप्लाई का जहाँ तक सवाल है उसमें दूध है, किराना का सामान है, सब्जियाँ हैं और फल हैं। मेन चीज़ें चार चीज़ें हैं। उसमें हमारी अजमेर डेयरी संघ है, सरस डेयरी, अमूल डेयरी वाले भी सप्लाई कर रहे हैं। हमारी कोशिश है, हम सुबह जैसे रमज़ान का समय है, लोग सहरी के बाद सोते हैं तो लेट तक उठते हैं, तो हमारी कोशिश है दोपहर से लेके देर रात तक, देर शाम तक हमारी सप्लाई ज़्यादा रहे, उसकी हमने इंटेंसिटी बढ़ाई है। और सभी जो जितने भी थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा है वहाँ से हमारे पास रिपोर्ट अच्छी आ रही है, सप्लाई नॉर्मल है, लोगों को दिक्कत नहीं है। शुरू के 2-3 दिन लोगों ने खरीदारी की, अब प्रोसेस एकदम स्मूथ चल रहा है। दो लोगों पे कार्रवाई भी की गई? हाँ, कर्फ्यू क्षेत्र में जो राशन डीलर हैं दो लोगों की वार्ड नंबर 7 के दिल्ली गेट के पास में हमें शिकायत मिली थी जिसकी जाँच की गई और उसमें कुछ अनियमितताएँ थी, उपभोक्ताओं को परेशान करने के मामले थे, उसमें उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है। दो राशन डीलर हैं, ये चेतन सोनी है, एक पुरुषोत्तम है, दो पे हमने कार्रवाई की है।